हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हेल्थ टिप्स में। दोस्तों, आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में सबसे बड़ी समस्या बनती जा रही है हमारी याददाश्त। हम चीजें रख कर भूल जाते हैं या फिर अपने लव्ड वंस का बर्थडे डेट भूल जाते हैं, जरूरी मीटिंग्स की तारीख भूल जाते हैं और पता नहीं क्या क्या भूलने लगे हैं। और इस परेशानी से आप ही नहीं, पता नहीं कितने लोग परेशान हैं। तो हम आज इस वीडियो में इस स्मरण शक्ति को बढ़ाने के उपाय आपको बताएंगे। दोस्तों, स्मरण शक्ति को बढ़ाने के उपाय जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि हमें कौन सी चीजें याद रखनी है, क्योंकि मेमोरी तीन तरह की होती हैं, शॉर्ट मेमोरी, रिसेंट मेमोरी और रिपोर्ट मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी में वो चीज़ें आती हैं जो हाल ही में हुई रहती हैं, जैसे किसी से मिले हों अभी अभी तो वो चीज़ें याद रहती हैं। रिसेंट मेमोरी में वो चीज़ें होती हैं जैसे हमने सुबह क्या क्या खाया था या फिर हमने रात में किसी से क्या बात किया था। रिमोट मेमोरी में वो जानकारियां होती हैं जो सालों से हमारे दिमाग में स्टोर होती हैं, जैसे हमने बचपन में क्या किया था, हमारी स्कूलिंग की यादें और भी बहुत कुछ। तो आप खुद भी सोचिए कि इन तीनों मेमोरी में आपको अपनी कौन सी मेमोरी सबसे वीक लगती है। तो दोस्तों, आपकी इन तीनों मेमोरी से कोई भी मेमोरी वीक हो उसे बढ़ाने के उपाय अब हम आपको बताने जा रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं नंबर वन से। यदि आप अखरोट खाते हैं तो भी आपकी याददाश्त बढ़ जाती है। 10 ग्राम किशमिश के साथ 20 ग्राम अखरोट खाएं। इससे मानसिक तनाव भी दूर होता है, क्योंकि मानसिक तनाव भी आपकी याददाश्त को कमजोर करने में अहम भूमिका निभाता है। अब बढ़ते हैं दूसरे उपाय की ओर। गाजर का हलवा खाने से भी दिमाग की कमजोरी दूर होती है और दिमाग की नसें मजबूत होती हैं, जिनमें हमारी मेमोरी स्टोर होती है। अगर आप गाजर का हलवा खाते हैं तो आपकी मेमोरी स्ट्रॉन्ग होगी। अब चलते हैं तीसरे उपाय की ओर। मेमोरी को मजबूत करने के लिए बादाम कितना उपयोगी है, इस बात को तो आप जानते ही होंगे, क्योंकि इस पे कई फेसेस भी बने हैं, जैसे कि आपकी याददाश्त कमजोर है, आप बादाम खाइए। रात को 10 बादामों को पानी में भिगोकर सुबह उनका छिलका उतार लें और इसे 10 ग्राम मक्खन और मिश्री के साथ मिलाकर कुछ दिनों तक खाने से दिमाग की शक्ति बढ़ती है। साथ ही आपकी टेंशन दूर हो जाएगी और आपका याददाश्त भी कमजोर नहीं रहेगा, अतः स्मरण शक्ति बढ़ जाएगी। चलते हैं चौथे उपाय की ओर। गाय के घी से सिर पर कुछ दिनों तक मालिश करने से आपकी स्मरण शक्ति बढ़ती है। चलते हैं पांचवे उपाय की ओर। जीरा, अदरक और मिश्री को पीसकर उसका पेस्ट बनाकर खाने से याददाश्त की कमजोरी दूर होती है। सुबह सुबह उठकर खाली पेट आंवले का मुरब्बा खाने से भी दिमागी विकार दूर हो जाता है और आपकी याददाश्त अच्छी हो जाती है, यानी आपकी याददाश्त अच्छी हो जाती है। सुबह सुबह खाली पेट आंवले का मुरब्बा खाने से दिमागी विकार दूर हो जाता है। चलते हैं सातवें उपाय की ओर। सौंफ को मोटा कूटकर उसे छान लें और इसे एक एक चम्मच सुबह शाम 2 बार पानी या दूध के साथ फंकी लें। ऐसा यदि आप प्रतिदिन करना शुरू कर देते हैं तो 1 या 2 महीने में ही फर्क दिखने लगेगा। चलते हैं आठवें उपाय की ओर। गुलकंद का नाम तो आपने सुना ही होगा, ये किसी भी पंसारी की दुकान पे आराम से मिल जाता है। गुलकंद को रोज दिन में 2 से 3 बार खाने से स्मरण शक्ति को लाभ मिलता है। चलते हैं नवे उपाय की ओर। शहद में 10 ग्राम दालचीनी को मिलाकर चाटने से दिमाग तेज होता है। इससे आपकी मेमोरी पावर बढ़ती है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है और आप अपनी परफॉर्मेंस अच्छी कर पाते हैं। एंड द लास्ट बट द लीस्ट, सुबह खाली पेट आंवले का मुरब्बा खाने से दिमागी विकार दूर होता है। तो दोस्तों, ये थे आपकी स्मरण शक्ति को बढ़ाने के 10 उपाय। दोस्तों, ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, ऐसी उम्मीद की जाती है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या किसी परेशानी का हल ढूंढ रहे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार।